अभी कुछ ही महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ और उस कर्नाटक के चुनाव में ये नामदार का यही भाषण था कि जेडीएस ये बीजेपी की बी टीम है। देवेगौड़ा जी की जो जेडीएस पार्टी है कर्नाटक में, उन्होंने उस समय हर भाषण में ये वाक्य वो रटते थे कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। आप मुझे बताइए, जब कर्नाटक के चुनाव नतीजे आए तब सरकार किसकी बनी भाई? कांग्रेस और जेडीएस की बनी कि नहीं बनी? कांग्रेस और जेडीएस की बनी कि न बनी? मतलब ए टीम बी टीम वो थे कि नहीं थे? कांग्रेस की बी टीम जेडीएस थी कि नहीं थी? कितना झूठ बोलते हैं